गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम स्टार्टिंग चैप्टर फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशन, फर्स्ट आई टेल यू सम बेसिक रूल्स। इफ वी हैव टू ऐड 3 और 5, अगर हमें ऐड करना है 3 और 5 को, तो हम कैसे ऐड करेंगे? 3 + 5 = 8। 3 और -5 को ऐड करना है तो 3 + (-5) करना के ऐड है तो हम यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, और ये निगेटिव है तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। एंड नाउ वी ओपन ब्रैकेट, 3 + का साइन अंदर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर जो साइन रहता है वही रहता है। तो 3 - 5 एंड 3 - 5 = -2। अगर इसको ऐड करना है -3 और 5 को, तो -3 + 5 = 2। -3 + 5 = 2, ये आपका आंसर आया 2। इसको ऐड करने के लिए बाद 2 आया, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव, तो 5 में से 3 गया 2 आया। इसको ऐड करना है तो -3 + (-5), क्योंकि प्लस के बाद अगर ये निगेटिव साइन है तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो -3 + अंदर गया कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो जो अंदर वाला साइन है वही रहेगा -5, और -3 - 5 = -8। दिस इज द रूल ऑफ एडिशन। एंड नाउ वी टेल सम रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। इफ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 8, 6 को 8 में से घटाओ, तो 8 - 6 = 2। जो फ्रॉम के आगे है पहले वो लिखेंगे, और जो फ्रॉम के पहले उसको बाद में लिखेंगे माइनस का साइन लगाकर। ऐसे ये है 8 फ्रॉम 6, तो 6 - 8 = -2। ऐसे ये है -6 फ्रॉम 8, तो 8 माइनस का साइन, क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है और फिर ये माइनस का है तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। और फिर ब्रैकेट ओपन किया, और माइनस का साइन जब अंदर जाता है तो अंदर के साइन को चेंज कर देता है, तो माइनस ये अंदर जाकर प्लस हो गया, 8 + 6 = 14। लास्ट क्वेश्चन, 6 फ्रॉम -8, तो -8 और -6 = -14। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड दिस इज द बेसिक रूल ऑफ एडिशन। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 2A ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन। एड द फॉलोइंग मोनोमियल्स, फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, एड द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आई हैव सॉल्व 2, 2, 3, 3 क्वेश्चन ऑफ ईच पार्ट, सो यू सी केयरफुल्ली। सपोज 3x और 5x को ऐड करना है, तो 3x + 5x वी राइट लाइक दिस। आफ्टर दैट यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचा? 3 + 5, और 3 + 5 क्या हो गया? 8, और 8 को जब x इंटू करेंगे तो 8x आ गया। यहाँ x और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है होता है। सेकंड पार्ट, 11x² और इसको ऐड करना है, तो 11x² ऐड करना है तो प्लस ब्रैकेट में -11x², अब ब्रैकेट खोला, 11x² - 11x², x² यहाँ भी है कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? 11 - 11, और 11 में से 11 जाएगा 0 होगा, x² को 0 से इंटू करेंगे तो 0 आएगा। सेवन पार्ट, ये इन तीनों को ऐड करना है, 7x + 4x + ब्रैकेट में -2x, ब्रैकेट ओपन किया, 7x + 4x - 2x, एक्स कॉमन ले लिया क्योंकि एक्स 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 तीनों जगह है, ब्रैकेट में बचा क्या? 7 + 4 - 2, 7 में 4 जोड़ा 11, 11 में से 2 गया 9, तो 9 को एक्स इंटू किया, आंसर आया 9x। ऐसे एक पार्ट ये है 13x², ये इसको ऐड करना है, 13x² प्लस ये ब्रैकेट में ये प्लस 25x², ब्रैकेट खोला, 13x² - 31x² + 25x², x² कॉमन लिया, तो 13 - 31 + 25। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 13 + 25 हो गया आपका 38, और 38 में से -31 गया 37, बचा आपका 7, तो x² * 7 यानी कि 7x². सेकेंड का, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, ये ऐड करना है चारों को, तो 4ab + 3ab + ब्रैकेट में -7 है, ये ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये निगेटिव है, इसलिए +5ab। अब हम ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, 4ab + 3ab, ये प्लस अंदर गया तो -7ab + 5ab, क्योंकि प्लस का साइन जब ब्रैकेट में जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अंदर जो साइन रहेगा वही रहेगा, तो ए बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 4 + 3 - 7 - +5, 4 + 3 = 7, 7 में 7 गया 0, +5 यानी कि 5 बचा, और 5 को इंटू किया 5ab। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वी हैव टू ऐड, तो -2xyz प्लस ब्रैकेट में -ea + 10xyz + 5xyz + ब्रैकेट में ये,
अब देखिए प्लस का था, ये प्लस का था, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया, पर ये निगेटिव है और ये निगेटिव, तो ब्रैकेट लगाना पड़ता है, दैट इज़ द रूल। माइनस टू एक्स वाई जेड ये स्टार्टिंग था, इसलिए यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाना कोई नेसेसरी नहीं है। माइनस टू एक्स वाई जेड माइनस थ्री एक्स वाई जेड प्लस टेन एक्स वाई जेड प्लस फाइव एक्स वाई जेड माइनस फोर एक्स वाई जेड। अब निगेटिव निगेटिव एक साथ जोड़ लो, ये निगेटिव ये निगेटिव ये निगेटिव, तो फोर थ्री सेवन और टू नाइन एक्स वाई जेड। और पॉजिटिव ये हैं फिफ्टीन एक्स वाई जेड, और 15 में से 9 गया सिक्स एक्स वाई जेड। ये थर्ड का थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, इनको ऐड करना है 4x, ये इनको ऐड करना है, तो 4x प्लस ब्रैकेट में माइनस फाइव ए प्लस थ्री जेड, ब्रैकेट खोला 4x माइनस फाइव वाई प्लस थ्री जेड। बट ये तीनों अनलाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स नहीं हैं, तो इसका आंसर यही आएगा, क्योंकि तो एक्स है, ये वाई है और जेड है, एक्स में कभी वी पर वाई ऐड नहीं होता। सपोज अगर हमें एक्स में वाई ऐड करना है, ये ऐड ही नहीं होगा, तो इसका आंसर एक्स प्लस वाई ही आएगा। और अगर लाइक टर्म्स हो, एक्स प्लस टू एक्स हो, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो ये आंसर आएगा थ्री एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एट एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ब्रैकेट खोला एट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई स्क्वायर। अब ये दोनों लाइक हैं, तो एट में थ्री गया फाइव एक्स स्क्वायर, ये दोनों लाइक हैं, तो माइनस इलेवन प्लस सिक्स माइनस का फाइव वाई स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। नाउ कम टू द दिस क्वेश्चन, तो नाइन ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ब्रैकेट में माइनस सिक्स बी सी और माइनस प्लस ब्रैकेट में माइनस बी सी, इसको इसके साथ लिख लिया और इसको इसके साथ लिख लिया। अब ब्रैकेट खोला तो नाइन ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस सिक्स बी सी और बी सी, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो नाइन और वन टेन ए बी सी, ये भी दोनों लाइक हैं, तो माइनस सिक्स माइनस वन माइनस सेवन बी सी। क्वेश्चन नंबर फोर, इनको ऐड करना है, तो इनको मैंने ऊपर नीचे लिख के ऐड कर लिया, थ्री ए माइनस फोर बी, फोर ए प्लस टू बी, आंसर आया सेवन ए, और ये इसको जब ऐड करेंगे तो माइनस टू का टू बी आएगा। ऐसे इसको ऐड किया टू एक्स माइनस टेन वाई, फिर लिखा है नाइन वाई माइनस ट्वेल्व एक्स, तो एक्स के नीचे एक्स लिखेंगे और ट्वेल्व एक्स निगेटिव है, तो माइनस का ट्वेल्व एक्स प्लस का नाइन वाई और एक्स प्लस वाई। अब देखिए आप इसको ऐड करना है, एक्स ये वन एक्स है, ये टू एक्स है, पॉजिटिव है, तो थ्री एक्स, थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स गया माइनस का नाइन एक्स, ये नाइन वाई है, ये वाई है प्लस का दोनों, तो टेन वाई प्लस का हो गया और माइनस का टेन वाई, तो टेन वाई से टेन वाई खत्म, तो इसके नीचे कुछ नहीं आएगा, नथिंग, आंसर आया माइनस का नाइन एक्स। हाँ अगर आप लिखना चाहें तो आप जीरो वाई लिख सकते हैं, जीरो वाई, बट जीरो वाई नथिंग, जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो होता है, तो इसको चाहे आप लिखें और चाहे ना लिखें। ये वाला क्वेश्चन है, फिर इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, तो पहले एट ए प्लस थ्री बी माइनस सेवन ए प्लस टू बी, ये आपका क्वेश्चन है, एट ए के साथ सारे ए एक साथ लिख लो, एट ए माइनस सेवन ए और प्लस इलेवन ए, बी एक साथ लिख लो। अब एट ए और इलेवन ए ये हो गया नाइनटीन, और नाइनटीन में सेवन गया ट्वेल्व ए, क्योंकि लाइक टर्म से आपस में सॉल्व हो सकते हैं। ऐसे ही थ्री बी प्लस टू बी फाइव बी, फाइव बी में बी गया फोर बी, ऐसे ये क्वेश्चन है सेवन पी, ये वाला क्वेश्चन है आपका, तो पी पी एक साथ लिख लिए, सेवन पी प्लस एट पी प्लस माइनस फिफ्टीन पी, क्यों क्यों एक साथ लिख लिए। अब सेवन पी प्लस एट पी फिफ्टीन पी, फिफ्टीन पी में से फिफ्टीन पी गया जीरो पी खत्म, ऐसे ही माइनस एट क्यू माइनस फोर क्यू प्लस का ट्वेल्व क्यू, और ट्वेल्व में माइनस जीरो हो गया जीरो क्यू, जीरो पी का मतलब जीरो, जीरो क्यू का मतलब जीरो, तो जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो आंसर आएगा। इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज, यू कैन डू सम पार्ट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज, आप अपनी कॉपी में कुछ पार्ट इसके कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। नाउ आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज टू बी, एक्सरसाइज टू बी, सब्ट्रैक्ट, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस क्वेश्चन, सम पार्ट आई एम डूइंग, इतने फ्रॉम इतने, तो ये थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में माइनस सेवन एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खोला ये आया, और ये हो गया आपका टेन एक्स स्क्वायर, ये फ्रॉम ये, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में माइनस वन पॉइंट टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, माइनस के अंदर गया तो अंदर के साइन को चेंज कर दिया, प्लस का वन पॉइंट टू एक्स स्क्वायर। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, वन लिख कर एलसीएम लिया, टू आया, वन टू जै टू, टू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस है, टू वन जै टू, वन को वन से इंटू किया एक्स स्क्वायर, तो माइनस का टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू, दैट इज योर आंसर। माइनस एट ए फ्रॉम फाइव बी, तो फाइव बी माइनस ब्रैकेट में माइनस ए फाइव बी प्लस एट ए, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक है, तो ये ऐसे ही आंसर आएगा। ऐसे ही
जीरो माइनस ब्रैकेट में मैंने 7 ab, फिर माइनस अंदर गया तो 0 + 7 ab इक्वल टू 7 ab। इसमें सेकंड पार्ट में क्या कहा है, यूज द हॉरिजेंटल मेथड, मतलब सीधे सीधे आपको माइनस करना है, ऊपर नीचे लिख के माइनस नहीं करना, सीधे सीधे लिख के माइनस करना है। 13 a + 10 b फ्रॉम -15 a - 5 b। तो ये लिखा पहले 15 a - 5 b, माइनस का साइन ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये दो हैं तो इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। -13 a + 10 b, माइनस अंदर गया 13 a, माइनस का हो गया माइनस का 10 b, 15 a में से 13 a गया 2 a, और माइनस के 5 b, माइनस के 10 b हो गया माइनस का 15 b। ऐसे ये है तो a² - 4 - ब्रैकेट में -6a² + a² - 4, माइनस अंदर गया तो प्लस का हो गया, ये माइनस का, a² + 6a² - 7 स्क्वायर, और माइनस का a लिखा ही है और माइनस का 4। ऐसे ये है 6x। वाट इज द बाइनोमियल दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतने टू गेट द मोनोमियल इतने, इसमें से क्या माइनस करें कि आ जाए। जैसे हम पूछें कि 8 में से कितना माइनस करें 6 आ जाए, तो क्या करेंगे, 8 में से कितना माइनस करें 6 आ जाए, तो 8 में से 6 को माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 2। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे इस क्वेश्चन में, तो 6x + 7y - 3y ये आपका प्लस है, नहीं ये -17y है, सॉरी 6x - 17y, 6x - 17y - 3y, तो 6x - 17y - 3y - 20y हो गया। एंड लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट इतने फ्रॉम द सम ऑफ द बाइनोमियल इतने एंड इतने, पहले इन दोनों को प्लस करो और जो प्लस करके आए उसमें से इसको माइनस कर दो। तो दोनों को हमने प्लस किया, x + 7y और +3x - 6y को ऐड किया तो आया x + 3x 4x, और ये आ गया आपका वाई। अब इसमें से उसको माइनस करना जो बचा हुआ है, 4x + y माइनस ब्रैकेट में ये ब्रैकेट खोला ये हो गया 4x - 2x गया 2x, और y + 5y हो गया आपका 7y। इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड ऑल पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2b, 1, 2 एंड 3 एंड 4। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 2c, सिंप्लीफाई दीज आर सम क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 2c। सम पार्ट्स आई एम डूइंग ऑफ एक्सरसाइज 2c, दिस इज योर क्वेश्चन। फर्स्ट सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ ये आया, माइनस अंदर गया, सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का। अब हम लाइक टर्म्स देखेंगे, ये 9x² और ये 12x², ये दोनों लाइक हैं, तो 12 और 9 21x², ये लाइक हैं, तो -16 - 15 - 31x, और ये -4 और -5, ये दोनों लाइक हैं तो ये आ गया माइनस का 9। ऐसे इसका फिफ्थ पार्ट है, दिस इज आवर क्वेश्चन। पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, 2a माइनस अंदर गया तो a माइनस का हो गया, b प्लस का, 3b माइनस का हो गया, ये प्लस का, और प्लस अंदर जाता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 5a - 7b। अब लाइक टर्म्स 2a a a a, तो 2a में से ये गया a, a में 8a जोड़ा 9a, और 9 में 5 जोड़ा 14a। अब b को सॉल्व करेंगे, ये b है और ये b है और ये b है, तो b में से 3b गया माइनस का 2b, और माइनस का 2b और माइनस का 7b हो गया माइनस का 9b। ये आपका क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देन यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम विद मी, बट आपको बहुत डीपली करना है, बहुत डीपली समझना है। नहीं समझेंगे रटने की कोशिश करेंगे, दैट इज द नॉट द सोल्यूशन। सो यू सी माई वीडियो एंड अंडरस्टूड ऑल क्वेश्चन, नॉट दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन देर आर टू टाइप ऑफ ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड राउंड ब्रैकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई फिनिश राउंड ब्रैकेट, 4b - ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट, 3b इसका ब्रैकेट खत्म किया, 3b - 12, और माइनस अंदर गया सबका साइन चेंज, तो कर्ली ब्रैकेट बचा और राउंड ब्रैकेट खत्म। अब पहले कर्ली ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, 4b - 3b - 12b - k9b, और माइनस का 12 + 17 + 5, तो 4b अंदर माइनस अंदर गया तो ये साइन चेंज, और 4b + 9b हो गया 13b - 5, दैट इज योर आंसर। नाउ कम टू द दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन देयर आर बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड राउंड ब्रैकेट। सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट फिनिश करेंगे, 15 माइनस ये आपका चला आपका, माइनस अंदर गया तो 8x + 5 + 6x, कर्ली ब्रैकेट ये आपका। अब हम पहले इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है सॉल्व करेंगे,
ये यहाँ तक ऐसा माइनस 11x में से 8 गया, x गया 3x और प्लस 6x 9x और प्लस 7 16x और प्लस 5 माइनस 9x। अब हम कर्ली ब्रैकेट फिनिश करेंगे। कर्ली ब्रैकेट फिनिश किया हमने, माइनस अंदर गया, सारे साइन चेंज। अब हम बिग ब्रैकेट के अंदर जो बचा है उसको सॉल्व करेंगे। तो 12x में से 16x गया बच्चा, माइनस का 4x और माइनस का 9x, माइनस का 13x और 7 में से 5 गया 2। ये आपका बिग ब्रैकेट के अंदर बचा। अब बिग ब्रैकेट को फिनिश करेंगे, माइनस का साइन अंदर जाएगा, तो 15 प्लस 13x माइनस 2, 13x ये बचा है और 15 में से 2 गया 13। दैट इज योर आंसर, 13x प्लस 13। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, दिस इज आवर क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई फिनिश राउंड ब्रैकेट, 11x माइनस 8y माइनस 11x, माइनस अंदर गया तो सबके साइन चेंज, 7z माइनस का हो गया, ये 3y प्लस का हो गया। ऐसे यहाँ राउंड ब्रैकेट ख़त्म किया तो माइनस का 3x प्लस का 2y प्लस का z, तो सारे राउंड ब्रैकेट फिनिश हो गए। अभी कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये है, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। कर्ली ब्रैकेट के अंदर 11x में 3x गया 8x, ये बचा जेड और जेड यहाँ, तो माइनस का 6z, वाई 3y, 5y 8y, 8y प्लस 2y 10y। अब हम कर्ली ब्रैकेट फिनिश करेंगे, माइनस अंदर गया, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 8y में से 10y गया, माइनस का 2y, माइनस का 8x और प्लस का 6z, 11x माइनस। अभी बिग ब्रैकेट फिनिश करने का टाइम आया तो माइनस को अंदर भेजेंगे, तो ये आपका सबका साइन चेंज, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। ऑल ब्रैकेट हैव बीन फिनिश, पर स्टेप वाइज स्टेप, पहले राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट एंड आफ्टर दैट बिग ब्रैकेट। अब हम सॉल्व करेंगे, 11x प्लस 8x कितना हुआ, 19x। ये लिखा है 2y अकेला है, तो 2y एज इट इज एंड माइनस 6z, दैट इज योर फाइनल आंसर। इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड सम पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज 2c। यू सी ऑल क्वेश्चन एक्सरसाइज 2a, 2b, 2c एंड हैव टू अंडरस्टूड ऑल क्वेश्चन। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन देन यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम एंड यू कैन डू वन और टू मोर पार्ट, 1, 2, 3 मोर पार्ट यू डू इन योर फेयर कॉपी एज योर कैपेसिटी। देर इज नो बाउंडेशन के कुछ तो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, कुछ आप भी करके प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। और उन दैट न्यू क्वेश्चन इफ यू फील प्रॉब्लम तो देन यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम। सो आई हैव कम्प्लीटेड स्पेशल ये दिस चैप्टर फंडामेंटल ऑपरेशन, ऑल थ्री एक्सरसाइज 2a, 2b, 2c। सो दिस वीडियो इज सम लॉन्ग बट यू हैव नॉट टू वरी, यू सी वीडियो वेरी केयरफुल्ली, एक्सरसाइज 2a, 2b, 2c। ओके, थैंक यू वेरी मच।